हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी वेयर कंसेप्ट। देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जो कि इसमें जूनियर इंजीनियर के पद के लिए वैकेंसी निकल कर आई है, जिसमें से आप लोगों का क्वालिफिकेशन माना जा रहा है कि आप हाई स्कूल पास हो या 10+2 किए हो, या आपके पास ITI की सर्टिफिकेट हो, या आप डिप्लोमा किए हो, तो ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि जूनियर इंजीनियर के लिए हैं। अब इसमें करना क्या, आप लोगों को कैसे कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या प्रोसेस है इसका, मैं उसकी डिटेल्स बताऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसमें प्रोसेस क्या। देखिए, एप्लीकेशन सेगमेंट, ये आपका एप्लीकेशन सेगमेंट दिया हुआ है, इसके नीचे आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। देखिए, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, फ़ोटो विथ सिग्नेचर अपलोडिंग करना है, रिमाइंडिंग डिटेल सबमिशन उसका है, फीस डिपोजिशन आपका जो है, मतलब इसमें सारी चीज़ें आप लोगों के लिए, मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन भी दिया हुआ आप लोगों का। अब करना क्या आप लोगों को कि ये इसकी डिटेल्स निकालिए, डिटेल्स मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए, PDF फाइल आप लोग डाउनलोड करिएगा, मैं बता दूंगा उसका, या डिस्क्रिप्शन के लिंक में मैं दे दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए, ये आपका उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के हैं। अब इसमें करना क्या, ऑनलाइन जो डेट शुरू हो रहा है वो 30/10/2018 से शुरू हो रहा है, और जो परीक्षा रजिस्ट्रेशन का जो सबमिट करने की अंतिम तिथि जो है वो 30/11/2018 रखा गया है। अब देखें इसमें आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया। देखें, कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसका फोटो सिग्नेचर अपना अपलोड करना पड़ेगा, उसके बाद फॉर्म के साथ आपको फॉर्म एक प्यूरल का फॉर्म भी दिया जाएगा, उसको भरना होगा, फीस का भुगतान करना होगा, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन करना है, उसके बाद आप लोग अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ये तो प्रोसेस हो गया। उसका देखिए, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, आवेदन की प्रक्रिया, फोटो तथा हस्ताक्षर में क्या क्या चीज़ें भी, आप पूरी डिटेल्स दिया हुआ है, जैसे कि फ़ोटो का साइज़ क्या होना चाहिए। देखिए, ये हिंदी में दिया हुआ है, 35 mm है, जैसे कि 1.4 इंच गुड़े 45 mm, 1.75 इंच का होना चाहिए, जिसमें फ़ोटो का लगभग 70% भाग चेहरे से आच्छादित हो, फोटो 6 महीने के भीतर लिया गया, ये डिटेल्स दिया हुआ है फ़ोटो के बारे में। उसके बाद आप लोगों को मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ में बता दे रहा हूँ। देखिए, फीस की भुगतान जो आप लोग करेंगे ये तो ऑनलाइन हो जाएगा, या फिर आप चालान के द्वारा भी कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे अनारक्षित और आवेदन शुल्क जो भी दिया हुआ है, आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था वो। हाँ, देखिए, ये विभाग का नाम दिया हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ देखिए, कह रहा है विशेष सचिव आवास एवं शहरी योजना अनुभाग, उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केंद्र सेवा, अवर अभियंता विद्युत। अब इसमें वैकेंसी इतनी दी, और देखिए 1 जुलाई 2018 है, 1 जुलाई 2018 से आप लोगों का आयु की गणना की जाएगी, ये मैं डिटेल्स बता देता हूँ, इसीलिए मैं परेशान था कि 21 से 40 की एज में ये मांगा गया आपका। और देखिए, जनरल की वैकेंसी कितनी है, 43, अनुसूचित जाति के लिए 28, अनुसूचित जनजाति के लिए 3, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 37, मतलब कुल पद कितने हैं, 111 है। ये UPSSSC में 111 वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर पद के लिए। उसको देखिए, फिर निदेशक एवं मुख्य अभियंता ग्रामीण अभियंता विभाग, यहाँ पे कितना दिया गया, 18 से 40, मतलब ये अलग अलग दिया गया है, आप लोग इसको डिटेल्स में देख लीजिएगा डाउनलोड करके। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा, तो पूरी डिटेल्स आप लोगों को मिल जाए। कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग एक बार जरूर हमसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसका PDF फाइल आप लोगों को कैसे डाउनलोड करना है। देखिए, करना क्या है आप लोगों को, यहाँ पे आप ओपन कर लीजिएगा सरकारी रिजल्ट, मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, ये आप लोग सरकारी रिजल्ट पर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको डाउनलोड करने के बाद क्या होगा, सबसे नीचे आप लोग चले जाइएगा, और यहाँ पे जो दे रहा है कि डाउनलोड नोटिफिकेशन, तो आप लोग यहाँ पे कर लीजिएगा क्लिक हियर। क्लिक हियर करने के बाद आप लोग इसका PDF फाइल जो है डाउनलोड हो जाएगा, जो कि हिंदी मीडियम में है, और इसका लिंक जो एक्टिवेट हो रहा है आप लोगों का, वो 30/10/2018 से एक्टिवेट हो रहा है, तो आप लोग 30 से फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी कोई भी डिटेल्स की ज़रूरत हो तो आप हमसे संपर्क जरूर कीजिएगा। बाकी आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक के बटन के बगल में दोस्तों एक शेयर का ऑप्शन होता है, उसको ज़रूर कीजिए, शेयर भी कर दीजिए।